हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल करामाजू सरकारी नौकरी में। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा हरियाणा स्टेट में अब तक हुए एग्ज़ाम के हर क्वेश्चन पर। आज की हमारी ये वीडियो नंबर एक है और ऐसे ही मैं वीडियो आपको डे बाय डे देता रहूंगा। दोस्तों, हमने हमारे यूट्यूब चैनल करामाजू सरकारी नौकरी पर एक HSC ग्रुप डी और पुलिस का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको रोज़ एक डिस्ट्रिक्ट मॉक टेस्ट और मिसलेनियस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, शुरू करता हूं आज की हमारी वीडियो। एक बात और दोस्तों, हम हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको 100 मॉक टेस्ट सीरीज कराएंगे। प्रत्येक मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन होंगे और इससे आपके 3000 क्वेश्चन कवरअप हो जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। स्टार्ट करता हूँ आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, वीडियो नंबर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं ये। और ये तहसील वेलफेयर ऑफिसर का एग्ज़ाम था, मॉर्निंग सेशन 2 जनवरी 2018 को ये एग्ज़ाम दिया गया था और इसी पर मैं आज डिस्कस करूँगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल का नेता कौन है? तो ये है अभय सिंह चौटाला, जो कि कहाँ से निर्वाचित है, ये एलनाबाद से निर्वाचित हैं और वर्तमान में ये भी NLO के विपक्षी दल के नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली और ये अध्यक्षता कब इन्होंने ग्रहण की? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ख्वाजा उल्ताफ हुसैन हाली का जन्म किस वर्ष हुआ? 1837 में हुआ और ये कहाँ से थे? ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? तो ये राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? और ये हॉकी से है और ये वर्तमान एशियन गेम में हमारी अंतिम दवाज वाहक रही थी। क्वेश्चन नंबर 6, फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगोली किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है पासराव गायिका तथा रियलिटी शो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मोहितर प्रताप चंद्र एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा है? तो उनकी काव्य भाषा है उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 12वीं शताब्दी में किसने आसी की किले का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सन्नू देवी थी। दोस्तों, ये हरियाणा की नहीं ये पूरे भारत की भी पहले महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जो कि वर्तमान में आचार्य देवव्रत है। इन्होंने कप्तान सिंह सोलंकी का स्थान लिया है और कप्तान सिंह सोलंकी वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल घोषित कर दिए गए हैं। और ये दोस्तों, आपको क्रम वाइज भी पूछ सकते हैं कि ये किस क्रम के बने हैं। तो ये कप्तान सिंह सोलंकी थे, वे 16 नंबर के थे और ये 17वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? तो ये चंद्रबरदई ने लिखी थी और ये पृथ्वीराज की इसमें इसका वो परिचय बताया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा रिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये कपिल देव जाने जाते हैं। नेक्स्ट, संतोष यादव की विश्व की एकमात्र महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह की थी। तो ये थी संतोष यादव, ये कहाँ की है? रेवाड़ी की है। वर्तमान में ये राज्यसभा की
उपाध्यक्ष हैं। और ये कहाँ पर है, ये तिब्बत में ये स्थान है, वहाँ की DGP हैं दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा का विधान भवन कौन से स्थान पर है, ये चंडीगढ़ में है दोस्तों। यही क्वेश्चन आपको अभी 14 अक्टूबर 2018 को लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो हरियाणा के हर एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और टोटल क्वेश्चन अब तक रिपीटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, तो ये लिया था लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरियाणा में अम्बाड़ा छावनी की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1843 में। नेक्स्ट, खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम किस खेल से संबंधित है, ये मुक्केबाज हैं और इन्होंने एशियन गेम में कांस्य पदक दिलाया। दुर्घटनापूर्व इनको चोट लगने के कारण ये आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, जिसके कारण इनको कांस्य पदक मिला। ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से हैं और जो कि अपनी प्रैक्टिस वगैरह भिवानी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकला, तो ये रोहतक से निकला था 1996 में। हरियाणा की मिट्टी का एकमात्र समाचार पत्र है दोस्तों ये। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का वर्तमान चेयरपर्सन कौन है, तो ये दोस्तों जूलिया मार्ले है। और मिस वर्ल्ड आपको पता ही होगी, हमारी हरियाणा की झज्जर डिस्ट्रिक्ट की मानुषी छिल्लर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य केंद्र है, तो ये है गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2017 में करनाल के अलावा दो अन्य पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र कहाँ खोले गए, तो ये खोले गए हैं हिसार और फरीदाबाद में। वर्तमान में इनकी संख्या 6 हो चुकी है। नेक्स्ट, हरियाणा में कनफरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र है पेवा और अस्तल बहोर। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना है, और आप ये भी बता सकते हैं कि हमें नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो क्या बनानी है, और वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको नीचे एक रेड बटन का बटन दिखाई देगा, उसको दबाना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।